अस्सलामुअलैकुम पाक विलर्स, मेरा नाम है सुनील मान और पाक विलर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ खुर्रम अली साहब मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत डिफेंडर जो है हम उसका रिव्यू करें। खुर्रम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी। खुर्रम भाई आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट जो है वो बताएंगे हमारे यूजर्स के लिए। सर ये मॉडल है जी 2021 की गाड़ी है और बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। ठीक है। और पाकिस्तान की पहली डिफेंडर है ये। ठीक है। डिफेंडर जो है इफ़ आई अंडरस्टैंड राइट तो ये लैंड रोवर की समझ लें कि बहुत रगड़ सीरीज वाली गाड़ी थी जो कि इनिशियली जिस तरह हमर वगैरह कहते थे कि जी आर्मी यूज़ की गाड़ी है तो इसके अंदर एक जो फील आती थी वो आती थी कि और उसको बल्कि अगर आपको याद हो तो पुरानी शेप इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी तो शेप बड़ी फ्यूचरिस्टिक है तो एक तो ये बताइएगा कि जी आपने गाड़ी खरीदी थी तो परचेज डिसीजन क्या था? आप खास तौर पे ये गाड़ी देख के इसी की टारगेट करके जा रहे थे या आप कोई और गाड़ी कंसीडर कर रहे थे या कोई आपने इंसान ने चूज़ की होती है कि ये मैंने गाड़ी लेनी है और उसमें से इसको शॉर्टलिस्ट किया था? परचेज डिसीजन आपका कैसे चला था? मैं जी देखने के लिए मैं पिछले दिनों से देख रहा था कि मैं रेंज रोवर लूँ जो है तो हमारे एक दोस्त हैं अली आगा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गाड़ी खड़ी हुई है आप जाके वो देख लें। सही है। तो देखने जब मैं गाड़ी पहुँचा आमिर शकील साहब के पास, सही है, तो वहाँ रेंज रोवर देखते देखते ही गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि सर ये क्या आपने कवर में खड़ा किया हुआ है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, हाइट में ज़रा ऊंची है ये नॉर्मल रेंज रोवर से। उन्होंने कहा यार ये तो मैंने एक शौकीन हूँ गाड़ियों का तो ऐसी मैंने पंगा ले लिया तो गाड़ी मैंने कौन सी मंगवाई है। उन्होंने कहा डिफेंडर मैंने बाय चांस अभी एक्सपो में मैंने गाड़ी देखी थी। सही है। तो मैंने कहा आपने वाकई डिफेंडर मंगवाई है? कहते हाँ बिल्कुल आपने देखी है। मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल देखी है। मैं कहा कपड़ा उठवाएं। उन्होंने कपड़ा उठवाया तो रेंज रोवर तो हम भूल गए। सही है। और हमने कहा जी आए बस यही लेनी है गाड़ी, उसी का डिसीजन किया और बस। अच्छा, सो आप P400E लेने गए थे? आएंगे। और आप ये लेके यू एंड अप दोनों के इंजन सेम है लेकिन ये है कि ये लैंड रोवर ने जो है ना अपना दोबारा अपनी रिवाइव किया है डिफेंडर की जनरेशन को। ठीक है। और थोड़ा सा अप टाउन लेके आए हैं और इसको फैशन स्टेटमेंट में ऐड किया रगडनेस के साथ। सही है। यानी अगर इसकी एक्सटीरियर देखा है तो बिल्कुल जरा वो एक जमाने में बैक टू फ्यूचर सीरीज। एग्जैक्टली तो उसको देख के लगता है यहाँ कोई कॉन्सेप्ट कार है। तो मैं भी जब इसको पहली बार देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए आई वाज ऑस्ट्रक के यार ये क्या चीज़ है। तो इसके अंदर 2 लीटर इंजन है? 2 लीटर इंजन है जी, सेम वही रेंज रोवर वाला इंजन है इसका। सही है। 0 to 100 जो है वो 5.8 सेकंड्स में है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो इसकी पार्ट है उस पर कितनी स्पीड तक? 27 माइल्स ये देती है उसके ऊपर। ठीक है। जो प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर। सही है। बाकी ये है कि उसके साथ इसकी पावर थोड़ी और ऐड हो जाती है बट अगर उसके बगैर आप देख सकते हैं कि इसकी पेक बड़ी इंप्रेसिव है बिकॉज़ 2 लीटर बंदा कहता है कि इतने बड़े 2 लीटर के साथ आप ये देखें कि गाड़ी अपने आप को किस तरह स्टेबल रखती है। मैंने हाथ भी छोड़े हुए हैं और गाड़ी इस वक्त 90 माइल से ऊपर जा रही है। सही है। तो गाड़ी आपको ये फील देती नहीं है कि यार गाड़ी का साइज बड़ा है और गाड़ी जो है वो पिक उसकी उसके मुताबिक और आपको अंदर बैठ के कोई फील नहीं होता जैसे आप लैंड रोवर में या वो इसमें लैंड क्रूजर में आपको स्पीड के साथ साथ थोड़ा फील आती है, अनकंफर्टेबल होते हैं आप। सही है। हाँ, कैबिन जो है उसकी नॉइज़ एक तो बिल्कुल जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बाहर की कोई शोर नहीं और आ रहा। रोड ग्रिप जो है जैसे वो रेंज रोवर की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसकी रोड ग्रिप जो है ना क्योंकि मेरी तो जिंदगी की पहली डिफेंडर है, मुझे उससे पहले डिफेंडर कभी अच्छी लगती नहीं थी। सही है। लेकिन ये मेरा ख्याल है आपके साथ काफी लोगों को नहीं अच्छी लगती क्योंकि ये तो शेप क्या कमाल हो गया वरना से पहले ये शेप का कमाल पहले डिफेंडर तो लोग केकड़ा कहते हैं। एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब ये जो डिफेंडर लेने का डिसीजन है आपने किया, मैं आपको पता होगा बड़ा नाकेद हूँ पाकिस्तान के अंदर लैंड रोवर की सारी गाड़ियों का बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि सर्विसिंग उस लेवल की नहीं है पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज हमने बात की कि गाड़ी के अभी तो बहुत मजा आ रहा है एज कम्पेयर टू टोयोटा, लेकिन टोयोटा जो है वो लंबी रेस का जो है ना घोड़ा कहते हैं उस है। बिल्कुल। तो ये थोड़े अरसे बाद जब थोड़ी पुरानी होने शुरू हो जाती है 3-4 साल बाद तो तंग करती है। तो आपने एज ए यूजर सोचा नहीं कि यार ये मैं ले रहा हूँ और ये पंगा मैं लेगा गाऊँ, सर्विस कैसे करूंगा, पार्ट्स कैसे लाऊंगा? सिग्मा जो है ना जी, एक तो पहली बात है सिग्मा ये गाड़ी अब ऑफर कर रहा है। ठीक है। पहले इनके पास इसकी स्लॉट थी, कोई गाड़ी आई नहीं है। सही है। यूके में भी आगे हर जगह गाड़ी शॉर्ट है ये। ठीक है। तो अब सिग्मा ये गाड़ी कोविड के अंदर ही लॉन्च हुई है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। कोविड के अंदर लॉन्च हुई है और सिग्मा इसको ऑफर कर रहा है और इसकी सर्विस वो रेंज रोवर नॉर्मल सेम इंजन है तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह माफ करे को मसला हो भी जाता है तो दुबई से और यूके से हर चीज अवेलेबल है। सही। अच्छा, अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें अगेन बहुत जिसे कहते हैं ना एक रगड़ इसकी जो लुक है हर जगह दरवाजा खोलने से लेके इसके जो यहाँ पे पेच लगे हुए उनसे आपको पता लगता है कि यार यू सिटिंग इन अ व्हीकल व्हिच इज नॉट अ नॉर्मल और कॉस्मेटिक्स नहीं है इतने बेसिक्स ज्यादा है, मतलब एक दो स्क्रीनों को छोड़ के बाकी गाड़ी सिंपल बेसिक गाड़ी है जो पुरानी थी उसको उन्होंने थोड़ा सा इसको कह लें कि जी सॉफ्ट टच दिया है। तो उस लिहाज से आई थिंक यू आर सेफ बिकॉज रेंज रोवर के अंदर तो यहाँ भी स्क्रीन है यहाँ भी स्क्रीन है, सॉफ्ट क्लोज डोर है, वो पता लगेगा जितनी ऑप्शन ज्यादा है वो टाइम खराब भी उतनी जल्दी होती है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बट सो फार जितना मैं अभी गाड़ी को यूज कर रहा हूँ या मैंने जितना चलाया अभी हार्डी जब हमारे पास गाड़ी आई थी वो 50 माइल चली हुई थी। सही है।
तो गाड़ी जो है वो इट्स वेरी कंफर्टेबल कार, इसलिए नहीं कि मेरी है, मतलब मैं तो ऑब्वियसली जब मैंने एक इंसान इमोशन में डिसीजन लेता है तो इट्स वाज माय इमोशनल डिसीजन, ठीक है, को अकलमंदी इंपल्स बाय थे, हां बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, वो आपने इंपल्स बाय कर ली, इसीलिए बल्कि रिव्यू के लिए मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, अब अगर आपको दोबारा सोचने का मौका दिया जाए, अकलमंद दोस्तों से मशवरा करने का मौका दिया जाए, तो क्या डिसीजन सेम होगा कि मैं सिर्फ कलर चेंज करूंगा, काला मंगवाऊंगा। सो बाकी गाड़ी यानी यू आर हैप्पी विद द कार? आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, इसके अगर यूनिक फीचर्स की बात करें कि अगर आप लैंड से ब्रांड मैनेजर हैं आज पाकिस्तान में, जो कि आप चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर तो मान ही गए इनके, तो लैंड रोवर जो है इसकी क्या क्या चीदा चीदा चीजें जो आपके यार इस गाड़ी में बड़ी मॉडर्न चीजें हैं, ये ऑप्शन इसके अंदर? मैं आपको इसका एक बड़ा ईजी, मैं अक्सर एक दोस्त से बात किया, कोई भी पूछता होता ना, मैं कहता हूँ मुझे रेंज रोवर और लैंड क्रूजर का कॉम्बो मिल गया, ठीक है, आपको रेडनेस भी मिल गई, सही है, आपको फैशन स्टेटमेंट भी मिल गई, सही है, और आप एक यूरोपियन गाड़ी भी चला रहे हैं, सही है, पैनोरामिक सनरूफ आ गई इसकी, सब जो कुछ है, हाले बहुत ही बड़ी है, हाँ, और उसमें रोशनदान भी है, रोशनदान मूनलाइट के लिए वो भी है, हाँ, वो भी है, और ये सेवन सीटर नहीं है, राइट? सेवन सीटर नहीं है, इसमें सेवन सीटर की ऑप्शन भी आती है, आती है, आती है, ठीक है। सो ये फाइव सीटर है, पैनोरामिक सनरूफ है, P400 है, इलेक्ट्रिक पावर भी है, इसके 0 to 100 आपने फिगर्स बता दिए टोटल, इसका अगेन सवाल इस गाड़ी के लीक के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अजराए जिसे कहते हैं माइलेज का पूछ लेते हैं कि माइलेज क्या आती है अंदाजन? मतलब मैंने एक लाहौर का एक ट्रिप किया इसके ऊपर, ठीक है, मेरी गाड़ी का टैंक फुल हुआ होगा मेरे ख्याल से 11.5-12 हज़ार रुपये, ठीक है, और मेरे ख्याल से जब मैंने कोई 90 miles पे चढ़ाई गाड़ी ऑन एवरेज, सही है, तो तेज थी, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा थी, सही है, तो मेरा एक जब मैं लाहौर पहुँचा हूँ तो हाफ से थोड़ा सा नीचे था, ठीक है, तो वहाँ से एवरेज का अंदाजा, बाकी वैसे मैंने चेक नहीं किया, सही है, लेकिन बड़ी इकोनॉमिकल गाड़ी है, ठीक है। अच्छा, आगे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, हीटेड और सीट्स हैं, हाइट कंट्रोल है जी इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर तो है ही है, सही है, हेड्स अप डिस्प्ले है इसके अंदर, सही है, और बाकी लाइन लेन कंट्रोल फंक्शन वो सारे हैं इसके अंदर, ठीक है, फिर इसकी सस्पेंशन, इट्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, अगर अभी जब अगर रुकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी, आप बैक पीछे खड़े होके यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ द कार, ठीक है, फ्रॉम द बैक, बिल्कुल, तो इट्स अ प्योरली, अगर आपने रफ ट्रेन्स में जाना है जहाँ मर्जी लेके जाना है, तो उन्होंने फैशन स्टेटमेंट के साथ साथ इसका वेट रेशियो को देखते हुए, सही है, इसको फिर भी इन्होंने वो तमाम चीज़ें दी हैं जो कि ज़रूरत है इसकी, सही है। तो आपने इसको ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया इधर चलाने के लिए लिया कि कभी ऑफ रोड जाने का भी प्लान है इस पर? सर मेरी ऑफ रोडिंग सिर्फ इतनी है, मरी में मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ जाना होता है, सही है, और या मैंने लाहौर जाना होता है, लाहौर मेरे पेरेंट्स हैं बस, तो आपके लिए तो मेरा ख्याल है उस आपके लिए कंसिडरेशन ऑफ रोड कैपेबिलिटी नहीं थी, मेरे लिए कभी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट कंपनी मेरा ख्याल है क्लेम करती है कि कंपनी तो बिल्कुल क्लेम करती है, और इसकी जो वीडियोज पड़ी हुई है इंटरनेट पे और जिफ्टन लोगों ने जो रिव्यू किया हुआ इसको, सही है, इट्स एन अमेजिंग मशीन, इसलिए नहीं कि मेरी है बट मेरे लिए तो एक टोटली नई चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जितनी भी चलाई है कुछ सर्विसिंग का आपका तजर्बा हुआ जो आपके सिग्मा ऑफर करता है, लेकिन आपने इस्तेमाल करके देखी उनकी सर्विस? अभी वो मेरी अभी तो बारी आने, क्योंकि मेरा कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है सिग्मा के साथ, लेकिन ये है कि अगर जाहिर है अभी तो ऑयल चेंज तक की बारी आ नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं अभी, सही है, तो अभी मैंने पहली इंस्पेक्शन के लिए जाना उनके पास। वैसे मेरा ख्याल है वारंटी तो इंटरनेशनल कवर कर जी, इंटरनेशनल कवर कर रहे हो? कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कोई चीज़ ऐसी हो जो आप मिस करते हो, आपके यार मैंने इतने पैसे भरे हैं? इंसान की विशलिस्ट वैसे तो लामतनाई होती है कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए, लेकिन सेवन सीटर होती तो और फायदा होता, ठीक है, उसके अलावा और कोई अच्छी? उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं है, देखिए म्यूजिक सिस्टम इसका वही है जो बाकी रेंज रोवर्स का है, अच्छा, और हेड्स अप डिस्प्ले मुझे चाहिए होता है वो है, बाकी स्क्रीन इसके अंदर, इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 360 कैमराज हैं जी, बिल्कुल है, और कनेक्टिविटी इसमें एंड्रॉइड ऑटो सारी की सब कुछ है इसके अंदर, सारी किस्म की, बिल्कुल ऐसी काफी डिस्ट्रैक्ट करती है सारा कुछ, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ फील होता, और ये कि वो देखें स्क्रीन के अंदर भी वो है, लेकिन आई थिंक कि जितना पर्पज और जितना चलाना है आजकल हमारे फोन ही हमारी जान नहीं छोड़ते, हाँ हाँ। तो वो गाड़ी की तरफ स्क्रीन की तरफ जाएगा ध्यान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या पड़ती है? आपको अपने खुद कराई थी रजिस्ट्रेशन? जी मैंने खुद कराई है, और आपको मैं अनबिलीवेबल जो है ना वो बताऊँ कि एक फॉर्चूनर जितने में रजिस्टर होती है ना गाड़ी, जी जी, ये उतना उससे भी कम में हुई, 50,000 उससे कम थी, बींग 7,31,000 रुपया टोटल इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी अदर देन द नंबर, और इसके मेरा ख्याल है टोकन भी कम होंगे बिकॉज इसका इंजन साइज वो से, जी बिल्कुल, तो आप ये देख ले, साथ से अगर एक आप फॉर्चूनर रजिस्टर करवाने जाते हैं जो कि उस वक्त 98 लाख या
99 वाली प्राइस वाली थी, तो वो 769 की रजिस्टर हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 7,31,000 रुपये में रजिस्टर हुई है, उससे सस्ती हुई है, उससे सस्ती है इंजन की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसके जो इंटीरियर की कलर की ऑप्शन है वो भी कोई आती है आपने? जी ऑप्शन आती है, बट ऑब्वियसली मेरे पास तो यही चॉइस थी, तो आई थिंक इट इज द ओनली वन इन पाकिस्तान। दिस इज द ओनली वन इन पाकिस्तान, द फर्स्ट डिफेंडर जो नई जनरेशन की है, पाकिस्तान की पहली गाड़ी। सही है। अच्छा, एक नई जनरेशन के साथ साथ अक्सर गाड़ियों के कई नॉन फॉल्ट्स होते हैं, तो P400e जो इंजन, क्योंकि रेंज रोवर में आ रहा था पहले, इसमें भी आया, तो उसकी कोई आपको नॉन फॉल्ट पता हो कि इसमें ये मसला आता है? अभी तक ऐसा, देखे जब से ये 2017-18 से जब ये आने शुरू हुए, या उससे पहले पर सारी 5 लीटर गाड़ियाँ घूम रही थी, चाहे स्पोर्ट्स थी चाहे वोक थी। हाँ जी। अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं हमने, क्योंकि पहले सिग्मा वाले कह रहे थे हम नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी उनके थ्रू नहीं आ रही थी। सही है। बट ऑब्वियसली अब उनको पता है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा आ रही है, गाड़ी P400 और इंजन बहुत पॉपुलर हो गया, और स्पेशली इन पाकिस्तान, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा कुछ सुना नहीं, वरना इंटरनेट पे आपको हर चीज़ पता लग जाती होती है। अच्छा अच्छा, इनकी जो सीट्स होती हैं रेंज रोवर की, मैं सीट्स का बड़ा फैन हूँ, कि वो सीट आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, अगली तो खासतौर पे। जी जी जी। पिछली सीट में मेरा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग चेसी है जी, जो जरा P400 कम्फर्टेबल है, मेरे बच्चे हैं जी, बड़े शौकीन है, तो ज़्यादा बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो वो मैंने उनसे पूछा कि हाँ भाई बताओ कि लैंड क्रूजर वाला ठीक था काम या ये वाला? सही है। तो फॉर देम इट्स नॉट कि शायद नई होने की वजह से भी, लेकिन इट्स वेरी कंफर्टेबल। लेग रूम देखें अभी आप, पीछे मारे बैठे, और खासतौर पे आपने मुझे बताया था कि आप पहले से ईट्रॉन चला रहे थे, तो ईट्रॉन से तो बहुत ज्यादा स्पेस है, ईट्रॉन से बहुत ज्यादा स्पेस है, और ईट्रॉन का आपको मैंने रीजन बताया कि वो उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम। और वो क्या प्रॉब्लम है? रेंज एग्जाइटी। हां, रेंज एग्जाइटी। मैं भी जब लोगों को बोलता हूं, तो जिनको लोग बहुत शौक है ना, जो प्रोपोनेंट है, वो कहते हैं ये इसकी मसला हो गया। मैं कह रही मोबाइल आज की दुनिया में चार्ज खत्म हो रहा ना, तो बंदे की आधी मौत वाकई हो जाती है। अब आप कहते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, सांस नहीं आ रहा, तो गाड़ी के साथ ऐसा हो रहा, तो आप सोचते हैं कि यार ये क्या, देन यू स्टक इन द मिडिल ऑफ द रोड। कई दफा ऐसा होता है आपने कहीं जाना है, गाड़ी की रेंज 30-35 किलोमीटर, और आपको पता है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर आप कश्मीर हाईवे फंस गए, जी जी जी, तो फिर आप वहीं पे फंसे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रेंज एग्जाइटी बहुत ज्यादा, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट है अभी, रेवोल्यूशन आएगी, लॉन्ग रेंज बढ़ती जाएंगी। सही। और फिर लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक। सो यूजर्स, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।